स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ मोहित भट्टाचार्य'स बुक न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वी आर डिस्कसिंग द पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर 8, व्हिच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स। सो प्लानिंग वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन द क्लासिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। So when we study the classical theory, we have some of the acronyms such as POC, such as post-corp functions. So over there, planning is the first step in the whole acronym of post-corp. Others are organizing, staffing, directing, coordinating, and then reporting, budgeting. So for many years, government department have worked with very little formal planning. मतलब government department में अब आपको ये पता है, government departments जो कि आपकी एक तरीके से line agencies हैं, और policy making जो कि आपकी एक staffing function हो गया, यहाँ पर एक dichotomy का भी सिद्धांत देखने को मिलता है जो कि Woodrow Wilson जी के द्वारा दिया गया था। जब हम ये बात करते हैं तो department level पे गवर्नमेंट में निग्लेक्ट किया जाता था प्लानिंग को, और वो सोचा जाता था कि इट इज मोर ऑफ अ पार्ट विच हैज टू बी डेल्ट विद द पॉलिसी मेकर्स, एग्जीक्यूटर्स के द्वारा। तो जॉन गैराट, हु वाज द मेंबर ऑफ कंसल्टेंसी ग्रुप फुलटन कमीशन आया, उनका ये कहना है कि देर हैज बीन, अब ये 1968 की बात कर रहे हैं और ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्लासिकल थ्योरी के बारे में जो कि 1920s-30s तक थी, उसके बाद उसमें चेंज आया और ह्यूमन एस्पेक्ट आए, बिहेवियरल एस्पेक्ट आए आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है। सो ये है कि द पार्ट विच वॉज डेल्ट विद द प्लानिंग एस्पेक्ट वॉज नॉट वेरी विजिबल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पर्टिकुलरली हायर सिविल सर्विसेज ये सोचती थी कि बहुत ही कम रेलिवेंस है सिस्टमैटिक रिसर्च का, कंसंट्रेशन मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जब ब्यूरोक्रेसी ने काम करना शुरू किया वहां पर भी ये देखने को मिलता है कि सिस्टमैटिक रिसर्च बेस्ड प्लानिंग एंड हाई वन ऑन द रैपिड रिएक्शन टू टॉपिक ऑफ द डे उस पे होता था, सिस्टमैटिक प्लानिंग पे कम जोर दिया जाता था। तो कन्वेंशनली एस्टिमेट्स प्लानिंग हैज बीन डन थ्रू द बजटरी प्रोसेसेस, वहीं पर प्लानिंग का एस्पेक्ट था, और लेवल पे रिक्रूटमेंट पे, स्टाफिंग पे, रिपोर्टिंग पे, उन चीजों पे कम एक जोर दिया जाता था। अब द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ गवर्नमेंट टुडे इज नेवर स्टैटिक थिंग। सो वी नो दैट गवर्नमेंट हैज टू ओवरकम मेनी चैलेंजेस। सो वी मे हैव ईवी व्हीकल्स, वी मे हैव क्लाइमेट चेंज, देन देर आर सर्टेन एजिटेशंस, then there are certain defense issues. So government mein political scenario aur socio economic scenario hamesha badalta rehta hai, kahin par floods aa gayi hai, disaster management ho gaya hai, so resources bhi kya hai, scarce hai, aur unka allocation is tarike se karna hai ki maximum outcome usme aa sake. Iske liye bahut hi mahatvapurna hai ki hum planning ko kya kare, tawajjuh dein, us pe dhyan dein. All these reasons are compelling enough कि हम planning को essential first step बनाए government में, क्योंकि government क्या है, सबसे बड़ा allocation करती है। जब public policy बनती है तो उसको बोलते हैं कि public policy है कि legitimate जो distribution होता है resources का वो है, या फिर whatever government tries to do or does not tries to do, thinks to do or neglects the thing is पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी एलोकेटर है रिसोर्सेज की, तो वहां पर तो बजटरी प्रोसेस और प्लानिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। अब नेचर ऑफ प्लानिंग की बात कर लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि भाई पोस्ट कॉर्प फंक्शन में भी, क्लासिकल मॉडल में भी, पॉक जो था हेनरी फियोल के द्वारा, लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक के द्वारा पोस्ट कॉर्प का एक्रोनिम सब्सक्राइब किया गया। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि प्लानिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब नेचर क्या है प्लानिंग का, प्लानिंग आगे फ्यूचर के लिए की जाती है, प्लानिंग रेगुलरली करनी चाहिए, प्लानिंग में ऑल इनकम पासिंग फीचर्स होने चाहिए।
सो प्लानिंग फॉलोज पॉलिसी मेकिंग. पॉलिसी मेकिंग जब हो जाती है उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं गवर्नमेंट के, यहां पर स्टेजेस में हम कर सकते हैं, या फिर एलोकेशंस ऑफ फंक्शन कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या करेगा. यहां पर आपका बजटरी एस्पेक्ट भी रहता है. ये सारी ही चीजें आपको प्लानिंग में देखने को मिलती हैं. दे सेट द टर्म ऑफ रेफरेंस विद इन द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, कि कितने स्टेजेस में होगा, कितने टाइम के लिए होगा, कौन सा ऑफिस क्या फंक्शन करेगा. एज अ प्रोसेस प्लानिंग में एडवांस डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर की हम प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग ओरिएंटेड टू द फ्यूचर. तो जब हम 5 ईयर प्लानिंग की बात करते हैं, 5 ईयर प्लानिंग, जैसे हमारे देश में जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था. तो वो आगे आने वाले समय के लिए स्कॉलर्स के द्वारा जो भी अवेलेबल डेटा है उससे प्रेडिक्शंस होता था कि जीडीपी कितनी रहने वाली है, या फिर आपकी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना आउटकम देखने को मिल सकता है, या हमारा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा, कितना बजट का एलोकेशन होना चाहिए. ऑल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. सो इनिशियल फेज से लेके और लास्ट तक, और साथ में अगर कुछ कमी रह जाए तो उसको कैसे पूरा करेंगे, ये सारा ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं. फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज गोल क्लासिफिकेशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब जैसे कोई भी चीज होती है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा. सो ग्रीन रेवोल्यूशन का गोल क्या है, कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, इंपोर्ट ना करना पड़े. अब यहां पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या भारत को केवल और केवल हमें खाद्य पदार्थों में, इट मींस जो फूड ग्रेन्स है उसमें, या ऑल्सो पल्सेस में कराना जो हमारे इंपोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, या ऑयल सीड्स में भी कराना. तो इस तरीके से उसको तोड़ा जा सकता है. द इनएविटेबल नेक्स्ट स्टेप इज टू फोरकास्ट द फ्यूचर, कि क्या सा होने वाला है, कि जैसे हम 5 ईयर प्लान में भी जीडीपी का बताते थे कि अगले 5 साल हमारी जीडीपी रहने वाली है, या अगले 5 साल हमारे जो रूरल एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ ऑफ रेट रहेगा वो क्या रहने वाला है, और सेक्टर्स में क्या रहने वाला है. सो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स आर सेट फोर्थ एट द नेक्स्ट स्टेज. अब आपने फोरकास्ट कर लिया, हो सकता है जो हमने एक कोर्स ऑफ एक्शन चुना है उससे अलग यदि चीजें होने लगे तो हम क्या करेंगे. सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो सेट ऑफ प्रेफरेंस होंगी, उनमें हम चूज करेंगे. ये नेक्स्ट स्टेप में आता है. द नेक्स्ट स्टेप विल इन्वॉल्व अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आपको फिनेंस, मैन पावर, मटीरियल. सो अगर हम ये कोई भी, जैसे हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सो रोड कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको ऑब्वियसली लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, और लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा. फिर कोई भी हम कंपनी है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है, ये बहुत सारा कंक्रीट लाएगी, हॉट मिक्स प्लांट्स लाएगी और लेइंग डाउन करेगी कंक्रीट को. सो इस तरीके से मटीरियल का कितना यूज होगा ये देख सकते हैं, मटीरियल का कितना यूज हो रहा है. मैन पावर की प्लानिंग होगी कि भाई जब फुल फ्लेज वर्क कर रहे होंगे और मल्टीपल स्टेजेस में ये बनेगा, इसमें बहुत सारे साइड एरियाज भी बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर्स भी बनाए जाएंगे, तो हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी. उसमें बहुत सारी जैसे पर्ट है या क्रिटिकल पाथ मेथड है, ऐसी टेक्निक्स का यूज कर लिया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं प्लानिंग प्रोसेस में. सो कंसर्न्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग की भी बात करी जाती है. तो क्या एजेंसीज बनाई जाएंगी, क्या सेपरेट एजेंसीज बनाई जाएंगी. जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमने देखा कि पंचायत के थ्रू बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू कराए जा सकते हैं, या इसको प्राइवेटाइज भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आजकल करा लिए जा रहे हैं. कहाँ पर हम यूजर चार्ज कर सकते हैं, कहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट देके काम करा सकते हैं. जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं एजेंसीज का यूज करा जाता है, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में भी एजेंसीज का यूज करा जाता है, और प्राइवेट एजेंसीज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है. न्यू प्रोसीजर्स में हैव टू बी अडॉप्टेड टू फैसिलिटेट एक्शन एज प्लान्ड. सो जैसे आप बात करें प्री इंडिपेंडेंस एरा की, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारे पास जो भी प्रोसीजर्स थे उसके लिए बजट पास कराने के लिए बहुत ज्यादा स्क्रूटनी नहीं थी. कैग इतना ज्यादा पार्लियामेंट का एजेंट है और उसकी रिपोर्ट्स की इतनी महत्वता नहीं थी, पर ये बदल गई है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई है. सो अभी हमें ये है कि हर चीज में
कुछ प्रोसेसेस बदलने पड़े हैं, नए ऑफिसेस क्रिएट करे गए, कैबिनेट बना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मीटिंग हुई इसके थ्रू, और साथ में कमिटीज बनाई जाती हैं, जैसे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज भी हैं। सो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमें क्या होता है, वी हैव टू चेंज द होल प्रोसेस। न्यू ऑफिसेस कम, न्यू एसओपीज आर एडेड, न्यू स्ट्रक्चर्स आर एडेड, न्यू हायरार्कीज आर क्रिएटेड। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करें तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, और वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ और मंत्रालयों के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन कंटिन्यूस रहता है स्टेट के साथ भी। अभी हम बात करेंगे प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजट। ये बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं प्लानिंग की, और बजटिंग में भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं। तो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम है, ये इनिशिएट होता है आपका यूएस गवर्नमेंट में, रॉबर्ट मैकनमारा नाम का एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को डिफेंस डिपार्टमेंट में लाया जाता है। 1961 में यहां पर हमें यूएसए में इसका यूज होता हुआ दिखाई देता है। सो जो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजट सिस्टम है उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, उसके स्टेप्स की बात करें तो हम स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। अब ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि वी विल डेवलप आर कंट्री, नो, देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट वुड बी द टारगेट फॉर नेक्स्ट 5 years, 3 years, एंड सेक्टोरल ऑल्सो, एंड हाउ वी विल अचीव दैट, वेदर वी विल टेक डेट और वी विल हैव द हेल्प फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, और वी विल रेज आर रिसोर्सेज बाय बॉन्ड्स। सो ऑल हाउ मच, ऑल दीज थिंग्स आर इन डिटेल, यू हैव टू स्पेसिफाई डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव बताने होंगे। आउट ऑफ दीज ईच प्रोग्राम हैज टू बी केयरफुली कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी प्रोग्राम है, यहां पर अगर हम प्रोग्राम की ही बात करें, मनरेगा को जैसे ले सकते हैं, तो मनरेगा के स्टेप को आप देख लीजिए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि रूरल एरिया में हमें क्या देना है, लोगों को रोजगार देना है। अब यहां पर और इसकी डिटेल जब आएगी तो हमें मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर द स्टेट देना पड़ेगा। अभी हमने वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जो आपका आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम है वो कर दिया है, उससे कुछ दिक्कतें भी आएंगी। सो ये डिटेल में हमें क्या करना पड़ता है, हर एक ईच प्रोग्राम हैज टू बी केयरफुली कैलकुलेटेड। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम हैज टू बी वर्कड आउट, जैसे हम बजट में भी करते हैं, और हर साल हमारे भी बजट में एलोकेशंस होते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, वैसे ही विद इन द लॉन्ग रेंज एंड पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम प्लानिंग हैज टू बी अंडरस्टूड मल्टी ईयर बेसिस पे, कि एक साल का काम नहीं है, बार बार ये होगा तो आगे के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव बार बार रिव्यू करने पड़ते हैं और उनके कॉस्ट निकालने पड़ते हैं, और हमें एक मोस्ट इफेक्टिव मैनर पे डिजायर्ड आउटपुट जितना चाहिए होता है। तो जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे मनरेगा है आपका, ये है डिमांड ड्रिवन एस्पेक्ट। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक साल के लिए हम किस स्टेट को कितना पैसा देंगे, और उससे हम कितने मैन पर ईयर वर्क डेज, मैन वर्क डेज पर ईयर का रोजगार दे पाएंगे। और द लास्ट स्टेप वुड बी टू इंटीग्रेट पब्लिक, आपका जो पीपीबी है, इनटू द बजटरी प्रोसेस एंड रोल्स इनटू ईयर टू ईयर, तो इनको इनकॉर्पोरेट कर लेना हर ईयर के लिए, राइट। सो इस तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि आपका जो रॉबर्ट मैकनमारा का इनिशिएटिव, और फिर ये पूरे ही वर्ल्ड में भी इसका यूज किया गया। तो पब्लिक प्रोग्रामिंग बजट इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करता है प्लानिंग को अपने अंदर। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम इज जस्ट वन एग्जाम्पल, बहुत सारी और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस, कि अगर आपको ABC तीन प्रोजेक्ट्स को लेना है तो हर किसी में आपका इनपुट और आउटपुट का रेशियो, तो रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ROI, ये देखा जाता है। सो प्लानिंग इज दस बीइंग स्लोली एक्सेप्टेड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नॉर्मल गवर्नमेंट फंक्शनिंग। सो ये तो बात पुरानी कर रहे हैं हम, क्योंकि बुक भी पहले लिखी जा चुकी है, अब तो बहुत ही कॉमन पार्ट है। गवर्नमेंट की हर डिपार्टमेंट में सेपरेट प्लानिंग भी हो रही है, और हमारे देश में जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, यहाँ तक कि और जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो ग्रामीण लेवल तक ये प्लानिंग का एस्पेक्ट हमारा पहुंच चुका है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप देखते हैं तो उसमें है हायरार्की कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, क्या लैटरल है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, और इसके साथ साथ
कितना स्पैन ऑफ कंट्रोल है वहां पर लोगों का, ऐसी चीजों की स्ट्रक्चर में बात करते हैं। सो द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इज फॉलोड बाय क्रिएशन ऑफ मशीनरी। तो जैसे मशीनरी की बात करें हम, तो जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी एक मशीनरी है, डेवलपमेंटल कमिश्नर एक मशीनरी है, या फिर आपका जो डायरेक्टोरेट होते हैं और डायरेक्टर जनरल जैसे हम कहते हैं, जो पुलिस के भी काम में होते हैं, या जो सेक्टर वाइज जैसे स्टेट लेवल पे आपका मत्स्य पालन, इट मींस फिशरीज के लिए डायरेक्टर होता है, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर होता है, एग्रीकल्चर डायरेक्टर होता है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर चेंज इन द गवर्नमेंट डू नॉट टेक प्लेस वेरी फ्रीक्वेंटली। अभी अगर आप रोज रोज स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, तो इमेजिन करिए कि यू आर अ प्राइवेट कंपनी और अ गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं और आप FDI लाना चाहते हैं। अभी तक आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से कर रहे थे, कोई और बार बार ऑफिस बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आती है, लोगों का भी विश्वास कम होता है, लेजिटिमेसी भी कम होती है। सो इंडिया और बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने जो इनहेरिट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो था कोलोनियल सिस्टम। ये जो कोलोनियल सिस्टम था, इसका जो उद्देश्य था वो नॉन डेवलपमेंटल था, डेवलपमेंटल था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होता था, पर मेजर जो थ्रस्ट था वो एक तरीके से पुलिस स्टेट पे था, ना कि आपके वेलफेयर स्टेट पे। तो इसको तो हमने क्या किया, परिवर्तित किया। ज्यादातर जैसे मैंने यहां बताया कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस को डील करना, मतलब रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन करना, ये इसका मेन रोल था, ना कि प्रो डेवलपमेंटल। पर ये जो है आपका चेंज होता है, क्योंकि आगे चल के हमारी वैल्यूज चेंज होती हैं। फिर हम प्रीएम्बल में बात करते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बनाते हैं, और हम कहते हैं कि वी विल अशर डेवलपमेंट, वी विल ब्रिंग डेवलपमेंट इन पीपल लाइफ एंड मेक देयर लाइफ बेटर। सो इसी की वजह से कोई भी अथॉरिटी जो होती है वो उस समय की वैल्यूज के अनुसार काम करती है। जैसे जैसे हमारा देश बदला, वहां पर डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, तो हमें पूरे के पूरे सिस्टम की रीमॉडलिंग करनी पड़ी। एज द प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोटिसेबल इन इंडिया, गवर्नमेंट फंक्शंस बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे और पॉलिटिशियंस हैव बीन आर्टिकुलेटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिमांड्स। तो अगर आप 1950 और 60 के दशक की ही बात करें, तो पॉलिटिशियंस ने ये भी कहना शुरू किया कि हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, तो हमें न्यू ऑफिसेस और नए स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान आया, तो वहां से हमें देखने को मिलता है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनका, और आगे चल के जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, और डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी ही क्या हो गई, बहुत चेंज हो गई पूरी की पूरी। सो सेटिस्फैक्शन एक बड़ी बात होने लगी, और पब्लिक एजेंसीज को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन भी इंश्योर कराने लगा कि केवल और केवल टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगी, टॉप डाउन अप्रोच वॉज रिस्ट्रिक्टेड। और अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखें, तो 1970s में आपका 1970s में आपका जो प्राइवेट सेक्टर का पुश आया, उसके बाद आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जैसी चीजें चल रही थी, यहाँ पर LPG रिफॉर्म्स भी आए, गुड गवर्नेंस का आया, इसके अलावा जो नेटवर्क थ्योरी है, न्यू पब्लिक गवर्नेंस है, ये सारी की सारी चीजें इन्विशेस करती हैं कि लोगों का समावेशन भी होना चाहिए, और केवल लोग नहीं, सिटीजन्स, सिविल ग्रुप्स का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी, NGOs का भी। द ओल्ड कोलोनियल फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो इल सुटेड था ही। जब हम डेवलपमेंटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन था कि वो चेंज ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा, वो आपका स्टेटस को इस नहीं होगा, स्टेटस को मेंटेन करना नहीं था, रैपिड चेंज लाना था। तो रैपिड चेंज लाने के लिए जो आपको एजेंसी की जरूरत है, वो जो एजेंसीज हैं वो भी चेंज करनी पड़ेंगी, ऑर्थोडॉक्सी को हटाना पड़ेगा, नया कुछ करना पड़ेगा। दिस इज द डायलेमा बिफोर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज दैट दे आर स्ट्राइविंग टू अचीव स्पीडी सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे हमने भी किया स्टेट लेवल पे, जैसे प्लानिंग कमीशन को बनाना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाना, जोनल काउंसिल्स को बनाना, नए ऑफिसेज बनाना, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स की नियुक्ति, अलग से पोस्ट क्रिएट करना, राइट, कम्युनिटी पुलिसिंग करना, हर जगह पर ये हमने पार्टिसिपेशन को बेहतर किया है, चेंज लाने की कोशिश करी है। बैंक्स बनाना, जैसे नाबार्ड का क्रिएशन करना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन भी कुछ कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, पर्टिकुलर जैसा भी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, उसके अनुसार काम करता है, और जब हमें चेंज की जरूरत होती है तो उसी के अनुसार बदलता भी है।
Viewing the problem in this perspective, we have found it necessary to take realistic view of things and strike a balance between the needs of the continuity and those of change. So obviously, हमने जो inherit किया था colonial system, उसको पूरी तरह तो नकार नहीं सकते थे, तो उसको हमने रखा और कुछ चीजें नई भी लाए, जैसे जो आपका political control था over the administration, वो increase हुआ. So overall department head जो है political, उसकी guidance में administration में change करना शुरू किया. ये यहाँ पर कह रहा है. So organizational change, careful diagnosis होना चाहिए problem का, तभी करा जा सकता है. यदि हम आप इसको समझें पुलिस के टर्म में समझे, सो पहले क्या था कि पुलिस जो है वो पीपल पुलिस नहीं थी, तो अभी लोगों को भी समावेशन किया जा रहा है, लोगों को कम्युनिटी पुलिसिंग करी जाती है, मोहल्ला कमिटीज बनाई जाती हैं. सो ये हमें प्रॉब्लम देखना होगा कि क्या पुलिस के प्रति विश्वास कम था इसलिए, या गवर्नमेंट आज भी ये सोच रही है कि जैसे हमने ये बात तो कर दी ODF विलेज बनाएंगे ओपन डेफिकेशन फ्री, पर जब तक लोगों को स्वच्छता दूत नहीं बनाएंगे तब तक चेंज नहीं हो सकता. तो यही प्रॉब्लम क्या है ये डायग्नोस करनी पड़ती है और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जो हम ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच है, हायरार्किकल है, मिस्टिसिज्म में विश्वास रखती है, उसको पलटना होगा. न्यू पब्लिक सर्विस, जहां पर कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सर्विस ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करनी होगी. सो स्ट्रक्चर की बात करें, सो स्ट्रक्चर स्टैंड फॉर रिलेटिवली फिक्स पैटर्न जो होते हैं रिलेशनशिप में. अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि DM है तो ऑब्वियसली उसके नीचे बहुत सारी तहसील होंगी, तो SDM होगा, SDM रिपोर्टिंग करेगा, यहाँ पर DM को भी सारा पैसा वो यूज नहीं कर सकता है, तो फिनेंस डिपार्टमेंट जो होगा आपका स्टेट लेवल पे वहां से पैसा आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर फिनेंस सेक्रेटरी इन्वॉल्व होंगे. रेवेन्यू का जो पैसा है वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना हुआ है, उसको रिपोर्ट करेगा यहाँ से कमिश्नर के पास और कमिश्नर से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएगा. तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि स्ट्रक्चर है ये कुछ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को सब डिवाइडेड किया जाता है, इसका मतलब जैसे यहाँ पर है DM उसके नीचे SDM उसके नीचे तहसीलदार, ऐसे होता है, मेजर कंपोनेंट रखे जाते हैं पुलिस में भी प्रशासन में भी, इसको बोलते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन. तो फॉर्मल स्ट्रक्चर इमर्ज होता है. फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हायरार्की होती है, फिक्स पैटर्न होते हैं, ये इमर्ज होता है. फॉर्मल स्ट्रक्चर में आपके इंटरेक्शन जो होता है वो फॉर्मल कैपेसिटी में ही होता है, हर किसी का अपना एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है. The fixed relationship that lead to formation of the structure result from the decision processes. Decision processes से जो आता है formal structure वो कैसा बनता है? Total task यहाँ पर broken down किया जाता है. इसका मतलब है कोई ministry होगी, जैसे ministry of finance है. अब इसके भी task को आप department of revenue, department इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया जो बजट बनाता है, इस तरीके से तोड़ा जाता है, कहीं भी देख सकते हैं. और अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट लेवल. सो ये बात आपकी मैरी पार्कर फॉलेट भी कहती है कि अथॉरिटी कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. तो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है, आप अगर देख लें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जैसे 29 जो रोल्स हैं आपको आइटम्स पंचायत में है, तो उनको कार्य करने का अनुभव दिया जाता है और उनको एक टास्क दिया जाता है. स्पेसिफिक टास्क आर असाइन टू डिफरेंट यूनिट जो कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन कहीं पर सेंट्रलाइजेशन जैसी भी आवश्यकता होती है अपना कार्य करते हैं. जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्रिटिसिज्म किया जाता है कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, पर हमने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए और भी ऑफिसर्स का क्रिएशन किया है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर. तो कितना कंसंट्रेशन करना है नहीं करना है वो डिपेंड किया जाता है जैसी जरूरत है. डिफरेंशिएटेड ये जो यूनिट्स हैं आपकी अलग अलग यूनिट हैं, इनको इंटरकनेक्टेड करना, या जो FW रिग्स कह रहे हैं इंटीग्रेशनल एस्पेक्ट. सो अगर ये बहुत ही ज्यादा आपके FW रिग्स का कॉन्सेप्ट है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन अगर ज्यादा रहती है और इंटीग्रेट नहीं कर पाती है कोई भी डेवलप सोसाइटी भी, तो उसमें भी आपको साला टेंडेंसीज मिल सकती हैं. इसलिए इंटीग्रेट करना. इंटीग्रेट कैसे होगा, बेहतर कम्युनिकेशन से. अब जैसे प्रगति प्लेटफॉर्म का अगर हम यूज करते हैं, आपको पता है प्रगति प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्रगति जो प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व होते हैं
अक्रॉस दी वेरियस आपकी मिनिस्ट्रीज और स्टेट लेवल के साथ पता चलता है कि जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें क्या लैग्स हैं। या फिर कैबिनेट स्तर पे देखिए, इंटर मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरीज की मीटिंग है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हमें ये देखने को मिलता है इनका यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अटेन्ड बाय सेटिंग फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के फुलफिलमेंट के लिए यूज होता है और प्लान डिजाइन में इसका यूज होता है। सो इन प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं है हर चीज वैसे ही फॉलो करे जैसा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है। जब आप ग्राउंड पे काम करने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं, क्योंकि कंटिंजेंसी मॉडल भी कोई चीज है। कि जैसे एल्विन टेफलर और पैरो जैसे जो आपके कंटिंजेंसी अप्रोच वाले जो थिंकर्स हैं, उन्होंने कहा है फ्यूचर की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होंगी, बहुत ज्यादा हायरार्किकल नहीं होंगी। अगर आप इसी को देखें, इंटरैक्शन जो हम बात करते हैं, चेस्टर आई बर्नार्ड की भी बात करें, इनफॉर्मल ग्रुप्स, वहां पर भी क्रिएशन की बात हुई है। एल्टन मायो को आप पढ़ेंगे, वहां पर भी इनफॉर्मल ग्रुप्स और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हुई है। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी गेन्ड करेंसी हमें देखने को मिलता है जो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज के लिए काम करती है। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप लाइकर्ट के सिस्टम 4 मॉडल की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि कोई भी टीम अगर बनती है तो उसमें इवन जो जेनिटर के रोल पे हो सकता है, मतलब कि आपका फोर्थ लेवल का कर्मचारी, या फिर कोई फिक्सर हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, गाड़ियों को ठीक करने वाला, अगर कोई इसरो जैसी टीम है वहां पर लीकेजेस को फिक्स करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फ्लूट्स के स्टडी करे हुए है, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हाई लेवल का साइंटिस्ट। और इसमें एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। जस्ट एज स्ट्रक्चर रेफर्स टू द एस्टैब्लिश पैटर्न और इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना अपना फंक्शन करते हैं, प्रोसेस रेफर्स टू द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मल अरेंजमेंट। प्रोसेसेस मतलब स्टेजेस में जो होगा, जैसे आप अगर बात करें कि आपके पास एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट का फंड आता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है और उसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी एक रोल होता है। सो ये ही अब क्या है, ये प्रोसेस है। कोई भी एमपी अपने आप से साइन करके चीजें नहीं करा सकता, वो रीरूटेड आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ से ही होगा। द ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन इज व्हाट द प्रोसेस स्टैंड्स फॉर, हेंस इट कनेक्ट्स कोनेट्स द डायनेमिक एस्पेक्ट। सो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके बाद काम करती है तो वहां डायनेमिज्म आपको देखने को मिलेगा ही। सो दैट वॉज द पार्ट दैट वी डिस्कस्ड ऑफ द मोहित भट्टाचार्य 8th चैप्टर पार्ट 1। यू कैन डाउनलोड द पीपीटी दैट वी हैव यूज्ड ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ अदर EPW articles, IIPA articles, and also books related to public administration governance. On the daily basis, you will also find some current affairs. So, all in all, you are all welcome to join the group. So, Public Ad by Shekhar is the group that you can join. And on that note, I end this lecture. You will be finding the next one, the next part, very soon. Till then, have a good time. Happy Holi. Do avail the benefit of maximum discount that we are running on this occasion of sales at the time of Holi. Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IAS. Ab tayari hui affordable.